हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लहंगे के ऊपर पहनने वाला श्रग या जैकेट की वीडियो बताने वाली हूँ। ये जैकेट आप कुर्ती पर पहन सकते हैं या आप आपकी टी शर्ट पर पहन सकते हैं। पहले हमने इसका लहंगा बनाया था और क्रॉप टॉप बनाया था, अब उसके ऊपर पहनने वाला श्रग या जैकेट बनाने वाले हैं। ये हम नेट से बनाने वाले हैं। इसी खूबी का हम पहले लहंगा शेयर कर चुके हैं, उसकी वीडियो देखनी है तो आप नीचे देख सकते हैं। इसके लिए हमने कपड़े को 2 फुट बिछा लिया है और इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमने इसकी 14 इंच ली है और ये हमने 2 फोल्ड बिछाया है। यहाँ से हम शोल्डर के नाप लगाएंगे। शोल्डर हमारे 17 इंच है, जिसका हाफ होता है 8.5 इंच। तो हमने 8.5 इंच पर शोल्डर का मार्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से हमारा आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है। ये मैं 1.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क कर दिया है और इसको सीधा लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ऊपर की साइड से भी हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे और ऊपर से भी हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, जो कि 1 इंच होगा। ये हमारा वैसे बैक पार्ट है, लेकिन हम इसी पर फ्रंट आर्म होल का निशान लगा कर बता रहे हैं। तो हमने 1 इंच अंदर फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें 1 इंच की गोलाई दे दी है। ये हमारा बैक आर्म होल और ये हमारा फ्रंट आर्म होल दोनों रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है। कमर का निशान हमने 14 इंच पर लगाया है। यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच है, तो हमने उस पर 8 इंच पर उसका फोर्थ पाक निशान लगा लिया है। और इस हमने 1 इंच लूजिंग दे दी है और यहाँ से इसको सीधा मिला लिया है, क्योंकि यहाँ से हमको खुला भाग चाहिए, इसलिए हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है। इस तरह हमने चेस्ट का निशान भी लगा लिया है। चेस्ट का भी हमने फोर्थ पार्ट करके उसमें 1 इंच मार्जिन देते हुए निशान लगा लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले के लिए हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया है गले की चौड़ाई का, और इसमें हम 1 इंच डीपनेस देंगे उसकी, और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक का गला होगा, ये देख सकते हैं। अब हम ये इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है, फिसल सकता है। तो आपको बड़े सावधानी पूर्वक इसको काटना होगा। ये हम पहले बैक की कटिंग करें हैं, जो हमने मार्जिन ऐड किया है 1 इंच, उसी के ऊपर काटते हुए निशान लगाया हुए, उस पर हम कटिंग कर देंगे और नीचे से सीधा उतार देंगे इसको। ये देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसी को रखते हुए हम हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट को रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग कर दी है, जिससे हमने बैक पार्ट से हमने उसको 1.5 इंच कम रखा है फ्रंट पार्ट को, देख सकते हैं। हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा कम लिया है हमने, और बचे हुए 1.5 इंच में हम इसको पट्टी फोल्ड कर देंगे। आपको भी सेम इसी तरह से 1.5 इंच आगे भाग को कम काटते हुए निकाल लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसको हमने 1.5 इंच कम काटा है आगे की साइड से। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब इसको हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स को आगे से अलग कर लिया है। अब हम दोनों की साइड से पट्टियों को फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच करना है आपको, ताकि हमारा आगे से गला रेडी हो जाए 3 इंच का, और ये हमारा खुला साइड रहेगा आगे की साइड। इसी तरह आपको दोनों साइड से 1.5 इंच फोल्ड करना है। ये स्लीव्स की कटिंग है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, और फिर भी हम आपको इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई बता देंगे। इस हिसाब से आप इसकी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। लंबाई इसकी हमने 18 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है। तो आप इस हिसाब से स्लीव्स को काट सकते हैं, जितनी आपको लंबी चाहिए उस हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी हम फ्रंट की गोलाई दे देंगे स्लीव्स की, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में गोलाई कटिंग की थी, इसलिए हम दोनों पार्ट्स में फ्रंट कटिंग गोलाई कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने आस्तीन की गोली की कटिंग कर दी है।
अब हम ये बैक पार्ट लेंगे और इसमें हम जो हमने गला काटा था 1.5 इंच, 1/2 इंच काटा था, उसको हम फोल्ड करते हुए मशीन लगा लेंगे। इसमें पट्टी नहीं, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो ये ऑटोमेटिक, अगर आप इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं। ये इसको पतला फोल्ड कर लिया है, गले की शेप में अच्छे से आ जाता है। ये देख सकते हैं हमने अच्छे से पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब हम जो हमने फ्रंट पार्ट में पीस अलग किया था और 1.5 इंच इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसको 1.5 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस पर मशीन लगा देंगे अच्छे से। ये आपको फिनिशिंग से लगाने होगी अच्छे से। ये मोती का ध्यान रखते हुए आपको इसलिए लगानी है क्योंकि मोती से आपकी सुई टूट सकती है, इसलिए आपको मोती का ध्यान निकालते हुए इसको लगानी है, क्योंकि ये हमारा वर्क वाला फैब्रिक है। इसी तरह हम पूरे फ्रंट पार्ट का, आगे का जो पल्ला होता है, उसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमने एक साइड की सिलाई लगा दी है कंप्लीट। इसी तरह हमको दूसरे पार्ट की भी सिलाई लगानी है। हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई को 1.5 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने दोनों पार्ट्स की सिलाई लगा दी है। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को रख लिया हमने, इनकी शोल्डर्स को अटैच करेंगे। हल्का सा आपको डाउन लेते हुए सिलाई लेनी है। इस साइड भी हम सिलाई लगा देंगे शोल्डर डाउन करते हुए हल्का सा। और इसको अच्छे से डबल सिलाई ले लेंगे। अब इसके हम आस्तीन के आगे की साइड मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर बाद में लेस लगा सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी अच्छे से आ सकता है। हमने इसमें इसको सिंपल ही रखा है, इसलिए हमने इसमें लेस अटैच नहीं किए। आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। ये हमने दोनों आस्तीन रेडी कर लिए आगे से फोल्ड करके। अब हम आस्तीन के बीच में कट लगाते हुए, दोनों कट से कट मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे आस्तीन दोनों साइड बराबर बैठ जाएगी। और इसको अच्छे से हम अटैच कर देंगे, इससे कि आपकी आस्तीन दोनों साइड बराबर आएगी कट लगाने से। इस तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे आस्तीन को। देख सकते हैं हमने दूसरी साइड भी आस्तीन को अटैच कर दिया है और दोनों आस्तीन हमारी लग चुकी है फिनिशिंग के साथ। ये हमने अच्छे से इसको शर्ट को बिछा लिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी है। अब इसमें आपको सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगानी है दोनों साइड की साइड, और बीच में हम डोरी अटैच करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं दिया है, इसलिए हम इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। इसको मोड़ते हुए फिटिंग लगा देंगे ताकि अंदर से फिनिशिंग दिखेगी हमारी। अच्छे से मोड़ते हुए आपको फिटिंग लगानी है दोनों साइड्स, क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो इसमें दिख सकता है, इसलिए हम इसको कपड़े को अंदर से मोड़ते हुए सिले लगा दी है। इसी तरह हम दोनों साइड से फिटिंग लगा देंगे। ये देख सकते हैं हमारा शर्ट रेडी है। इसी तरह आप भी लहंगे का शर्ट घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका हमने लहंगे का वीडियो और क्रॉप टॉप का वीडियो पहले हम डाल चुके हैं, उसमें देख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।